Characteristics of effective communication. There are essential features जो एक good communication के अंदर present होने चाहिए, so that communication में misunderstanding बहुत कम हो या बिल्कुल ना हो. So let's learn about these essential features or characteristics of communication. We need to remember 7 C's. Each C represents a characteristic. The first C stands for clear. That means जो communication है उसके message क्या है वो बिल्कुल, उसका purpose क्या है बिल्कुल clear है, intent क्या है बिल्कुल clear है. जो message है वो बिल्कुल simple language में है, short है. No big flurry words, no twisted sentences, कोई ऐसी चीज नहीं है. For example, मैं आपको बोलूं, आप अपने चक्षुओं की जांच करा लो. I can easily say, आप अपनी आंखों का टेस्ट करवा लो. Or, maybe I say, your comments are floppy doodle, flop doodle, they flabbergast me. I can easily say, your comments are nonsensical and you surprise me with them. Right? So you understand how clear a message should be delivered apna audience ke hisab se. Apne apne audience ko dekhna hai and that accordingly your message should be simplified. The second C stands for concise. Now concise means to the point. Nobody has time or inclination to read an essay. किसी के पास कोई टाइम नहीं होता है कि आप बड़ी बड़ी थ्योरीज में कुछ लिख के भेज रहे हो मैसेज. नोबडी रीड्स. हैव यू एवर नोटिस्ड व्हेन यू गेट एन ईमेल जिसमें बहुत सारा कुछ लिखा होता है, यू डोंट फील लाइक रीडिंग इट, यू स्किप मोस्ट ऑफ द पार्ट्स. और जो मेन मैसेज होता है, कोर मैसेज होता है, वो भी लॉस्ट हो जाता है. सो द ईमेल और सॉरी द मैसेज हैज टू बी टू द पॉइंट. एंड try avoiding, जब आप face to face बात कर रहे हैं, try avoiding irrelevant words like you know, basically, all these are irrelevant words which leads to wastage of time. The third C stands for concrete. Concrete means आपका जो message है वो किसी facts and figures पे based होना चाहिए, especially आपका formal message. आप हवा से बातें नहीं कर सकते हैं. यू कांट टॉक थ्रू द हैट. यू हैव टू हैव कोई बेसिस टू योर मैसेज सो दैट इट इज रेलेवेंट एंड क्रेडिबल मैसेज हो, उसकी क्रेडिबिलिटी हो. द फोर्थ सी स्टैंड्स फॉर कोहरेंट. देयर हैज टू बी लॉजिक इन योर कम्युनिकेशन. कोई ऑर्डर में चलनी चाहिए, फ्लो होना चाहिए. ये नहीं आप इस टॉपिक पे हो, अभी आप ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हो, सडनली यू जंप टू बॉलीवुड मूवीज एंड फ्रॉम देयर यू कम टू पॉलिटिक्स. देयर इज नो रिलेशनशिप व्हाटसोएवर एंड द मैसेज इज टोटली कंफ्यूजिंग. सो यू हैव टू हैव अ सीक्वेंशियल ऑर्डर एंड अ लॉजिक टू योर कॉन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन. इट कैन बी कॉन्वर्सेशन और इट कैन बी रिटन. After this, the fifth C stands for complete. The message has to be complete. जो भी आपकी audience है, जिसके लिए intended message है, उनको कितनी information दी जाए, relevant information दी जाए, वो आपने decide करना है और सोचना है. Because if you withheld information, message will be misunderstood. And later it can lead to complications. Have you had these issues maybe with some mobile phone company? वो आपको पूरी plan नहीं आपकी बताते हैं, end में आपका bill इतना आता है, then you have a fight because they withheld information, they did not tell you, which leads to bad business and customers feel unhappy, so they leave you, right? Then the next C, sixth C stand for courtesy. Your communication, no matter kaisi bhi ho, always has to be polite, respectful, honest and open.
कोई ये नहीं sarcastically नहीं आप बोल सकते कि उसकी बोल तो आप अच्छा रहे बट अंडरलाइन टोन जो है उसकी वो नेगेटिव है. देर इज sarcasm कमिंग आउट ऑफ योर कॉन्वर्सेशन और वॉट एवर यू हैव रिटन. ओके, द टोन ऑल्सो हैज टू बी पॉजिटिव. द लास्ट सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंशन. जब भी आप सुनते हैं यू हैव टू लिसन फॉर अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंडिंग. रियल मीनिंग क्या है किसी मैसेज का वो आपको जरूर सुनना चाहिए. लिसनिंग इज अ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. हम बहुत सारे टाइम पे सुनते नहीं है. व्हाट वी डू, आवर ब्रेन इज रनिंग हियर एंड देयर और हम बहुत सारी चीजें अपने माइंड की लगा देते हैं. कोई कुछ बोल रहा है हम उसमें अपने एक्सपीरियंसेस डाल देते हैं. रियल मीनिंग इज लॉस्ट, इनइफेक्टिव हो जाती है वो कम्युनिकेशन. टू लिसन फॉर अंडरस्टैंडिंग इज एन आर्ट. उसका एक टेक्निक इज एम्पथेटिक लिसनिंग. दैट मीन्स ट्राई टू पुट योरसेल्फ इन द अदर पर्सन शूज. उसके नजरिए से आप देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड द मैसेज बेटर. डोंट ट्राई टू लुक फ्रॉम योर व्यू पॉइंट ओनली. सो 360 डिग्री व्यू लेके यू शुड अंडरस्टैंड अ कम्युनिकेशन. नाउ बिसाइड्स दीज 7 सीज देर आर 2 मोर फीचर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. द नेक्स्ट फीचर इज कॉल्ड फोकस एंड अटेंशन. Now, in today's day and life, what happens is we are always being distracted by so much of things happening around. Noise hai, humne itna kuch multitasking kar rahe hain, there are so many things to be done. You're talking also, you're on your phone also, you're watching TV also, you're reading your book also, probably you're driving, you're listening to music. So all this information when coming in, the real communication or message is lost. So when you are communicating with somebody, please ensure aap ye sari cheeze, distractions jo hain, wo minimize karein and pay attention and keep focus at the person you are communicating with. You look at that person, you nod, you try to comprehend kya ye bol raha hai. So focus and attention is another essential feature. The last feature is called emotional awareness. That means we need emotional awareness is very, very important. We must understand jo bhi communication hai, uske saath jo emotions jude hue hain, uske that we need to understand. And how again we can understand that? When we put ourselves in the other person's shoes, then our emotional IQ or sorry, when our emotional EQ is high. जब हम किसी को really understand करना चाहते हैं, उसकी emotional state को समझते हैं, then our emotional awareness becomes high and it really is very important to know where this person is coming from. Why is he behaving the way he is behaving?